नया टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर हेडिंग दीजिए। इलेक्ट्रिकल पावर हिंदी बोले तो विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति किसी भी विद्युतीय यंत्र ब्रैकेट में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के संगत विद्युतीय ऊर्जा के व्यय होने की दर समय के सापेक्ष यदि ज्ञात किया जाए तो इस दर को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। इसे सामान्यतः पी से सूचित किया जाता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। देखिए विद्युतीय शक्ति बराबर समझाते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो बोल के लिख लीजिएगा। किसी भी विद्युतीय यंत्र के संगत विद्युतीय ऊर्जा के खर्च होने की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यदि ज्ञात किया जाए तो इस दर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर को सामान्यतः किस दर से आते हैं,
पी से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन बराबर सॉरी इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। अब फॉर्मूला देखिए नहीं था आजादी होगी देखिए पावर एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे कब, ये दर्शा दी एच हीट एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे कब, आई स्क्वायर आर इंटू टी एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना, जूस नहीं है उसको अपॉन टी 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 कैंसिल कीजिए तो टी टी काटिएगा तो पावर इक्वल टू आ जाएगा टी बराबर आई स्क्वायर आर, टी बराबर आई स्क्वायर आर कैसे आएगा फिर से देखिए, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर एच और टी, एच बराबर कल पढ़े थे आई स्क्वायर आर टी जूल के नियम से, टी टी कैंसिल हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर बचेगा, पावर बराबर आई स्क्वायर आर। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर। अब ये आई बराबर वी अपॉन आर को यहां रख दीजिएगा तो पावर का एक नया फॉर्मूला आएगा, देखिए पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई बराबर रखिए वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, कटिएगा तो आएगा पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, यानी पावर का दो फॉर्मूला फिलहाल पी बराबर आई स्क्वायर आर और पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर और पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, दोनों को नोट कर लीजिए। पावर का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला था क्या वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी निकाला था वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ओम के नियम से वी पर हम लोग पढ़े आई आर, एक वी को रहने दीजिए, एक वी को रहने दीजिए और ऐसे करते थे तो वी स्क्वायर हो गया। अब एक वी के जगह पर कर दीजिए आई आर, एक वी के जगह पर कर दीजिए आई आर अपॉन हो जाएगा आर, आर काट दीजिए क्या हो गया वी इंटू आई, वी इंटू आई यानी पावर का एक और फॉर्मूला आ गया पी बराबर वी इंटू आई। स्कूल बोलते हैं पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट कैसे निकाले, वी नो दैट, वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू वी कर दिया, एक वी की जगह पर आई आर कर दिया, कहाँ से ओम का नियम, ठीक है। अब आर काट दीजिए तो वी इंटू आई हो गया वोल्टेज गुना करेंट, लिख दीजिए। आप भी जो फॉर्मूला पढ़े उसका कुछ न्यूमेरिकल मान देते हैं तो समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 523 क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉर्मूला भेज दे, फॉर्मूला से तुरंत बन जाएगा। कार्य करेंट 2 एम्पियर का, करेंट 2 एम्पियर, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, और उस 2 एम्पियर जो धारा है वो 10 ओम वाले तार से गुजरता है, यानी रेसिस्टेंस कितना ओम है 10 ओम, कितना मिनट के लिए 7 मिनट के लिए, टाइम दिया हुआ 7 मिनट, तो मिनट को बदलिए कितने सेकेंड, 7 × 6 सेकेंड, तो कह रहा है कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, बनाइएगा बन जाएगा आपसे कैसे, बोलिए
स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू टेन आर टी रखिए 420 नहीं ये हो गया 4 × 10 420 करिए 168 पर डबल जीरो और उष्मा का मात्रक बोलिए जूल उष्मा का मात्रक जूल इसी प्रकार से डबल वाला प्रॉब्लम मतलब सेकंड प्रॉब्लम डाटा ले देंगे बना लीजिए खुद से कह रहा है एक करंट ऑफ 7 एम्पियर करंट कितना दिया है 7 एम्पियर जो 2 ओम वाले तार से होकर गुजरता है रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम 4 मिनट के लिए टाइम दिया है 4 मिनट मिनट को बदलिए सेकंड में 2640 सेकंड है ना तो कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस बताइए कितना उसमें उत्पन्न होगा एच फॉर्मूला बोलिए आई स्क्वायर आर टी रखिएगा सब आ जाएगा ठीक है देखिए आई 7 का स्क्वायर इंटू 2 आर का मान कितना है 2 × 240 गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा अब आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 5 ओम है या वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम यानी आर इक्वल टू 5 ओम जिसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट है V इक्वल टू 7 वोल्ट तो कह रहा है यदि 20 मिनट के लिए धारा प्रवाहित होता है तो उसमें बताइए टाइम बोल दिया आपको 20 मिनट बदल दीजिए 20 × 60 सेकेंड तो कह रहा है कि उसमें बताइए टाइम सॉरी हीट अब हीट जो आपसे पूछा तो आप बोलिए क्या कहेंगे फॉर्मूला आई स्क्वायर या अच्छा लिखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी ठीक है अब लिखिए टी आई तो नहीं है तो आई नहीं है तो आई की जगह पर वी अपॉन आर कर दीजिए आई की जगह पर वी अपॉन आर हो जाएगा इंटू स्क्वायर कर दीजिए मतलब आर इंटू टी आपको करिए आ जाएगा देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी आर आर कटेगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अब रख दीजिए आंसर आ जाएगा वी का बोल बोलिए 7 का स्क्वायर आर बोलिए 5 और डी बोलिए 20 × 60 करिएगा तो ये 4 ये हो गया 49 हुआ रही है इंटू 4 × 60 ये कीजिएगा तो 196 × 60 गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है चार नंबर देखिए चार कहता है एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है प्रतिरोध कितना दे दिया 12 ओम इसका विभवांतर 3 वोल्ट है V बराबर 3 वोल्ट यदि वह विभवांतर 14 मिनट के लिए होता है तो उसमें बताइए क्या बताइए उसमें इसको खुद से बनाइएगा ठीक है खुद से बनाइए सेम टाइप पर अगला नंबर है 5 ध्यान समझिएगा बन जाएगा करा एक हीटर है 100 वाट का वाट दिया पावर वाट किसका मात्रक है पावर का मात्रक तो पावर दिया है 100 वाट 100 वाट 5 मिनट के लिए हीटर को यूज किया जाता है यानी टाइम दिया है 5 मिनट
मिनट बोले तो 60 सेकंड कर देंगे इसमें। तो कह रहा है कितना हीट एनर्जी यूज होगा, कितना हीट एनर्जी यूज होगा, एच पूछा आपसे। तो हम लोग पढ़े थे कि पी बराबर एच अपॉन टी, पी बराबर एच अपॉन टी। तो अगर एच पूछ दिया एच बराबर पी इंटू टी, नहीं हो जाएगा, गुना कर देंगे। पी हो गया 100, 50 इंटू 60 30 पर डबल जीरो, कितना लगाइए जूल, गुना कहीं आ जाएगा 300 और ये डबल जीरो। उसी प्रकार 6 देखिए, 6 कहता है कि एक हीटर है 100 वाट का, हीटर है 100 वाट, पावर दिया हुआ है 100 वाट, जिसे 220 वोल्ट पर उपयोग की जाती है। हीटर को 220 वोल्ट पर यूज किया जाता है, यानी वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो कहता है कि कितना करंट यह प्रवाहित करेगा, करंट कितना प्रवाहित होगा। तो याद कीजिए पावर का 3 फॉर्मूला बताए थे, वी हैव, हम लोगों के पास है, क्या है सुनिए, पावर पी इक्वल टू वी इंटू आई, है ना, पी बराबर वी इंटू आई। सिद्ध किए थे इसको, पावर दिया हुआ 100, वी दिया हुआ 220 इंटू आई, चलिए 10 अपॉन 22 इक्वल टू आई, ये क्या हो गया एम्पियर में, क्या हो गया ये एम्पियर में, आई तो आ गया, लगा दे दीजिए एम्पियर बन गया। अब अगला देखिए, 7 कहता है कि एक हीटर है 200 वाट का, हीटर है 200 वाट, 7 नंबर, वाट का हीटर है जो 220 वोल्ट पर काम करता है, यानी पावर है 200 वाट, ठीक है, वाट, और उसे 220 वोल्ट पर उपयोग की जाती है, वी इक्वल टू 220 वोल्ट। फिर कह रहा है कि कितना करंट यह यूज करेगा, प्रवाहित करेगा, यदि 110 वोल्ट पर उपयोग किया जाए, यदि अब इसे 110 वोल्ट पर उपयोग किया जाए तो कितना करंट प्रवाहित होगा। तो पहले यहां से R निकाल लीजिए, तो R कैसे निकलेगा, हम लोग पढ़े हैं P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, है ना, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। पहले R निकालेगा, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, है ना, तो रखिए 220 स्क्वायर वाले कितना वर्ग होना, 2 वर्ग होना, अपॉन पी, पी कितना है 200, काट दीजिए 11, ये आ जाएगा 242, गुना किए ना आ जाएगा 242 आर है ना, तो आर का मात्रा क्या हो गया ओम, आर आ गया। तो कह रहा है कि यदि नाउ अब जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट पर है, अब जो वोल्टेज है वो कितना है 110 वोल्ट, तब करंट पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया करंट, जानते हैं V बराबर बोलिए आई आर, V का मान 110 आई, अब R का मान बोलिए 242, ठीक है, 11 दस है 110 और 11 गुना 22 कर दीजिएगा, है ना, क्या आ जाएगा 11 गुना 110 मतलब 11 गुना 10 110 हो गया, फिर 11 गुना 22 कट गया, ले आइए इधर 10 अपॉन 22 इक्वल टू आई, और आई है तो क्या हो गया ये एम्पीयर, है ना। इसी टाइप पर एक और देखिए, सवाल नंबर 8, ये कहता है कि 100 वाट का हीटर है 7 मिनट के लिए यूज होता है, 100 वाट का हीटर है 7 मिनट के लिए यूज होता है, तो उसमें बताइए पावर दिया हुआ है
100 वाट, टाइम दिया हुआ है 7 मिनट, तो हीट बताइए। सर जी बताए थे एच बराबर पी अपॉन टी, पी दिया हुआ है 100 अपॉन टी 7 इंटू मिनट बदलना है सॉरी सेकंड में, तो 60 कर देंगे, 7 मिनट को बदल जाएगा 7 इंटू 60 सेकंड में आ जाएगा। ओ उल्टा लगा थी, अच्छा अच्छा उल्टा लगा, क्योंकि P इक्वल टू एच अपॉन टी होता है ना, P इक्वल टू एच अपॉन टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एच बराबर P इंटू टी, चलिए गुणा कर लीजिए, 100 7 मिनट है तो 60 कर लीजिए, करिएगा तो 42,000 आएगा, 420 आएगा नहीं तो डबल जीरो, और इसका मात्रक बोलिए। इसी पर एक और देखिए बहुत खाली बनाई देते हैं, टाइप अलग है, दूसरा टाइप पर है। अच्छा देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा दो हीटर है 1000 वाट 220 वोल्ट का रेटिंग दिया हुआ है, दो को हीटर है तो हीटर को हम लोग बॉल के रूप में दर्शा देते हैं, ठीक है, हीटर को हम लोग बल्ब के रूप में दर्शा देते हैं, 1000 वाट, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, 1000 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है, यहाँ भी है 1000 वाट 220 वोल्ट, ये रेटिंग दिया हुआ कि वो बल्ब खरीदिएगा दिल्ली ये लिखा हुआ रहेगा, इससे बल्ब खरीदेगा तो 100 वाट या 20 वाट या 9 वाट और वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, वाट दिया हुआ है पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, दो है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाती है, कौन कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया, सीरीज है ना, कितना वोल्टेज के साथ, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, कितना वोल्टेज के साथ, 220 वोल्टेज के साथ, तो टोटल पावर बताइए, टोटल पावर पावर इक्वल टू वाट, पहले समझेंगे ध्यान से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद करिए करंट सेम होता है, नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रास्ता होता है ना, एक ही रास्ता होता है, तो जो करंट इससे वही करंट इससे वही करंट इससे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कॉन्स्टेंट है, तो आई यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट, और पूछेगा क्यों कॉन्स्टेंट, कोई पूछेगा क्यों कॉन्स्टेंट, तो बोलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रास्ता होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रास्ता होता है, जिस कारण से जो करंट इससे वही करंट इससे वही करंट इससे, ठीक है, हाँ भी अगर ये सीरीज में है जो करंट इससे वही करंट इससे, तो आई क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया, आई क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। अब याद करिए पावर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर बराबर आई स्क्वायर आर, तीन फार्मूला पढ़े थे, एक पावर वी स्क्वायर अपॉन आर, एक पावर आई स्क्वायर इंटू आर, और एक पावर वी इंटू आई, पढ़े थे तीन फार्मूला, एक ये था, एक ये था और एक ये था, तीन फार्मूला था, लेकिन कहाँ कहाँ कौन कौन यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे, अगर बोल दिए सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर बोल दिए सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ जाइए करंट सेम है, करंट क्या है सेम, तो ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ करंट कॉन्स्टेंट होगा, आई कॉन्स्टेंट होगा तो आर पर निर्भर करेगा, अगर बोल दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब पैरेलल में वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, तो वोल्टेज वाला बात यहाँ डाल देंगे, अगर बोल दिया कि सीरीज में है तो सीरीज में कौन क्या कॉन्स्टेंट हो गया आई, जब आई कॉन्स्टेंट हो गया तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर बोलेगा पैरेलल तो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है ना, वोल्टेज क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, जब वोल्टेज कॉन्स्टेंट होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, फिलहाल यहाँ पर सीरीज में है तो सीरीज में जब होगा तो आप बताइए क्या कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट, तो यहाँ अगर आई कॉन्स्टेंट है, अगर यहाँ आई कॉन्स्टेंट है तो आप कहिएगा पी निर्भर करेगा, पी निर्भर करेगा किस पर, आर, पी निर्भर करेगा किस पर, केवल आर पर, तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, नहीं
P1 upon P2 equal to R1 upon R2। अच्छा, पहले पावर कितना था? 1000 वाट। पहले पावर 1000 वाट। अब का पावर निकालना है, देखो दिख रहा है, अब का पावर निकालना है, पहले पावर 1000 वाट, अब का पावर निकालना है। अच्छा, पहले जो रेजिस्टेंस था एक एक वो था, पहले एक ही था, 1000 वाट में एक में दो, एक एक वो मेरा रेजिस्टेंस मान लीजिए आर, एक मेरा रेजिस्टेंस मान लीजिए आर। अब जब सीरीज में कर दिए तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो आर आर बोलिए टू आर आर, आर आर टू आर, कट गया तो जो क्या हो गया, कट गया, गुना हो जाएगा, अभी बोलिए ना या नहीं, गुना हो जाएगा तो आ जाएगा पी टू इक्वल टू 1000 × 2 क्या 2000। एक बार और सुनिए, क्वेश्चन बोला कि दो बल्ब है, क्वेश्चन बोला कि दो सॉरी हीटर है, दोनों हीटर का रेटिंग दिया हुआ है, रेटिंग का मतलब लिखा हुआ रहेगा, जैसे कोई भी बल्ब खरीदिएगा तो देखिएगा उसका रेटिंग लिखा हुआ रहेगा, है ना, बल्ब निकाल देंगे जैसे ये नहीं और देंगे फिलहाल, फिर और देंगे, चिंता मत कीजिए, उतारिए।